हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल ममास किचन में। आज मैं आप सबके लिए एक लेफ्ट ओवर रेसिपी लेकर आई हूं और वो है थेपला और खाखरा की रेसिपी। एक ही आटे से आप दो चीज़ें तैयार कर सकते हो और ये रेसिपी मैंने लेफ्ट ओवर खिचड़ी से बनाई है। खिचड़ी कभी ना कभी हम बनाते हैं तो बच जाती है, तो वही खिचड़ी से मैंने ये थेपला और क्रिस्पी खाखरा बनाया है। आप खाखरा की आवाज़ देख सकते हैं कितना क्रिस्पी है। चलिए फ्रेंड्स, ये लेफ्ट ओवर रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थेपला और खाखरा बनाने के लिए मेरे पास ये लेफ्ट ओवर वन बाउल जितनी खिचड़ी है और वही कटोरी से मैंने डबल आटा लिया है। नॉर्मली आटा है, गेहूँ का आटा। अब हम लोग उससे आटा तैयार करेंगे। एक बड़ी सी परात ले लें, उसमें गेहूं का आटा और खिचड़ी को ऐड करें। अब उसमें हम लोग सारे मसाले ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, खिचड़ी में नमक है इसलिए नमक को एडजस्ट करें, और एक टेबल स्पून जितनी लाल मिर्ची पाउडर और पिंच ऑफ हींग, दो टेबल स्पून जितने सफ़ेद तिल ऐड करें और एक टेबल स्पून जितना ऑयल ऐड करेंगे। अब सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स करें। आप किसी भी प्रकार की खिचड़ी से ये थेपला और खाखरा बना सकते हो, चाहे हरे मूंग की दाल की हो या पीली मूंग की दाल की हो या तूर दाल की हो। आप किसी भी दाल की खिचड़ी का आटा और बनाकर उसके खाखरा या थेपला बना सकते हैं। आटा तैयार है तो थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको चिकना करेंगे और उसको 10 मिनट तक रेस्ट दे देंगे। 10 मिनट के बाद आटे में से मीडियम साइज़ की लुइया तैयार करें। आप जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा खाखरा या थेपला बनाना चाहे उतनी बड़ी लुइया तैयार करके उसके पसले से जितनी हो सके उतनी पतली रोटी तैयार करें। खाखरा के लिए पतली रोटी लगती है तो वो जल्दी क्रिस्पी हो जाती है। आप देख सकते हैं मैंने पतली रोटी तैयार कर ली है। आपको इतनी पतली रखनी है, अगर मोटी होगी तो खाखरा क्रिस्पी नहीं होगा। उसको बहुत ही धीमी आँच पर हम लोग कच्चा पक्का दोनों साइड पर उसको रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा नहीं उसको सेकना है, सिर्फ एक एक दो दो सेकंड के लिए उसको तवे पे से उल्टा पलटा कर ऐसे सेक लेना है। कच्चा पक्का ही तैयार करेंगे। वैसे ही हम लोग सारे खाखरे को कच्चा पक्का तैयार करके साइड पे रखेंगे। अब उसके ऊपर हम लोग घी लगाएंगे। ये घी ऑप्शनल है लगाना। अगर आप अवॉइड करते हो घी खाना तो आप उसको स्किप करें। आप ऐसे ड्राई रोस्ट करके भी आप खाखरा बना सकते हो। अब मैं यहाँ पे थेपले बनाना आपको सिखाती हूँ। जैसे नॉर्मली हम लोग थेपले बनाते हैं वैसे ही थेपले बनाना है। उसको एक साइड पे तेल लगा के हल्का सा पका ले, वैसे ही दूसरी साइड पे भी तेल लगा के हल्का सा पका ले। जैसे हम लोग नॉर्मल थेपला पराठा बनाते हैं वैसे ही इसका थेपला बनाना है। ये थेपला खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अब देखिए मेरे सारे थेपले तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नरम मुलायम थेपले तैयार हो चुके हैं। आप चाहे तो उसमें हरे मसाले भी कर सकते हैं, अदरक मिर्ची की पेस्ट भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने सूखे मसाले किए हैं। अब हम लोग खाखरा की तैयारी करेंगे। ये मैंने खाखरा की रोटियाँ सेक ली है, कच्ची पक्की सेक ली है, आप देख सकते हो। अब दो से तीन तरीके से मैं आपको खाखरा सेकना सिखाऊंगी। पहले तो आप एक एक करके भी आप सेक सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे लकड़ी का डट्टा है तो उससे आप ऐसे दबा दबा कर खाखरा को सेक सकते हो। गैस की आँच बहुत ही स्लो रखनी है, नहीं तो खाखरा जल जाएगा। अब जो एक ट्रेडिशनल रीत है उसी तरह से हम लोग ये खाखरा सेकेंगे। जैन लोग ऐसे ही सेकते हैं खाखरा। खाखरे की रोटी का जो पूरा थप्पा है उसी को हम लोग सीधा तवे पे लगा के उसको दबा दबा कर सेकेंगे। ये देखिए, अगर सिंगल सिंगल सेकना है तो ऐसे ही एक एक करके सेक सकते हो। अगर ये नहीं है तो आप कपड़े से भी उसको दबा दबा कर सेक सकते हो। गैस की आंच बहुत ही स्लो रखे। अब आप देख सकते हो नीचे वाला जो
एक खाकरा है वो बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुका है, उसको पलटा कर वापस दूसरी बार वैसे ही हम लोग वही प्रोसीजर से उसको दोनों साइड से अच्छी तरह से उसको सेक लेंगे ताकि दोनों साइड से अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाए। अब ये खाकरा हमारा रेडी है तो ऊपर से ये खाकरा निकाल लेंगे और उसी तरह हम लोग नीचे वाला खाकरा वापस सेकेंगे। अब तैयार हुए खाकरा के ऊपर हम लोग घी लगाएंगे, ये ऑप्शनल है, मैंने पहले भी बोला अगर आप घी नहीं खाते तो उसको स्किप कर सकते हो, मगर खाकरा में घी बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है घी खाकरा को। अब आप देख सकते हो मेरा दूसरा खाकरा भी तैयार है तो उसको भी हम लोग निकाल लेंगे। वैसे ही हम लोग सारे खाकरे तैयार करेंगे। अब एक दूसरा तरीका देखिए, थोड़ा सा घी ऐसे बॉर्डर पे लगा दी ताकि खाकरा की जो बॉर्डर है वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। घी लगाने से या तेल लगाने से खाकरा जल्दी क्रिस्पी होता है। यहाँ पर मैं तवे पे खाकरा बना रही हूँ, अगर आपके पास खाकरे का मशीन है या रोटी मेकर है तो आप उसमें भी ये खाकरा बहुत ही ईजिली बना सकते हो। खाकरा के मशीन में आप ये खाकरा बहुत ही कम मेहनत और बहुत ही कम समय में तैयार कर सकते हो। अब मेरे सारे खाकरा और थेपलाज रेडी है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये लेफ़्ट ओवर खिचड़ी की रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक हैप्पी कुकिंग फ्रॉम ममाज़ किचन।